जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए एक महीने का महाअभियान आरंभ हुआ। अभियान की शुरुआत नशे के खिलाफ जागरूकता रैली से की गई, जिसे डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ड्रग फ्री हिमाचल ऐप के बारे में भी स्टूडेंट्स को जानकारी दी गई, जिस पर नशे बेचने वाले की जानकारी दी जा सकती है। जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए एक महीने का महाअभियान आरंभ हुआ है। अभियान की शुरुआत नशे के खिलाफ जागरूकता रैली से की गई, जिसे डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ड्रग फ्री हिमाचल ऐप के बारे में भी स्टूडेंट्स को जानकारी दी गई, जिस पर भी नशे बेचने वालों की जानकारी दी जा सकती है। जागरूकता रैली का आयोजन कचहरी अड्डा हनुमान मंदिर से गांधी वाटिका कोतवाली बाजार धर्मशाला तक किया गया, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के स्टूडेंट्स व शिक्षकों सहित कई विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। अभियान में विभिन्न विभागों से कर्मचारी नशे के दुरुपयोग तथा नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, जिसमें विभिन्न समूह शिक्षा संस्थानों में नशा करने से होने वाले नुकसानों के बारे में व उनसे बचने के उपाय के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान पोस्टरों, स्लोगन, पेंटिंग प्रतियोगिता व कविताओं द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिसकी जिला कांगड़ा में शुरुआत की गई है। न केवल जिला मुख्यालय बल्कि हर उपमंडल में ये अभियान चलेगा। अभियान के तहत लोगों को नशे से दूर रहने तथा इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। देखिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में इंटेंसिव कैंपेन ड्रग्स के खिलाफ चलाया जाएगा, और उसी कड़ी में आज कांगड़ा जिला में भी शुरुआत की गई है। न सिर्फ जिला के हेडक्वार्टर में बल्कि सारे हमारे सब डिविजन्स में इस तरह की शुरुआत की गई है, और पूरे एक महीने का एक एक्टिविटी चार्ट बनाया गया, जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचेंगे, लोगों तक ये मैसेज लेकर पहुँचेंगे कि नशे से कैसे दूर रहना है और इसके प्रकोप से कैसे बचना है और किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, ताकि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो इस तरह का व्यापार कर भी रहे हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से एक्शन लिया जा सकता है। एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि ड्रग फ्री हिमाचल ऐप है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से नशे से संबंधित हर सूचना दे सकता है, जो कि सीधे जिला के संबंधित एसपी को पहुंचती है। इस ऐप की खासियत ये है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की कोई भी जानकारी पुलिस से शेयर नहीं होती है। ऐसे में इस ऐप से सूचना देने वाला नीडर होकर जानकारी दे सकता है। इसके माध्यम से हम नशा कारोबारी पर ड्रग पेडलर तक पहुँच सकते हैं। ये ड्रग फ्री हिमाचल एक ऐप है, जिसके माध्यम से, और ये प्ले स्टोर में एंड्रॉइड फोन पे अवेलेबल है। इसके ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की सूचना ऑडियो, वीडियो के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में उस ऐप के माध्यम से दे सकता है, और वो संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को जो है वो इन्फॉर्मेशन डिटेल आ जाती है। लेकिन उसमें जो भी व्यक्ति सूचना देता है उसके बारे में किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर नहीं होती है। एक एनोनिमिटी रहती है, जिससे लोगों में भी सुरक्षा का भाव भी रहेगा कि वो किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है बेक ऑफ लेटर होकर दे सकते हैं, और इससे हम बेहतर और कारगर तरीके से जो है ड्रग पेडलर जितने भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। धर्मशाला विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार एवं विशेष तौर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं, जिसके तहत प्रदेश भर में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मशाला में भी रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश के युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से दूर रखा जा सकेगा। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के आह्वान पर पूरे हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, और ये रैली बहुत अच्छा संदेश पूरे समाज में आज दे रही है कि जो हमारा युवा वर्ग है नशे से दूर रहे। आज धर्मशाला में भी रैली हुई, कई सारे स्कूल के बच्चे थे, विद्यार्थी थे, वह इस रैली में भाग लेने के लिए आए, और इस रैली में हमने भी स्वयं भाग लिया। बहुत अच्छा मैसेज पूरे धर्मशाला में आज इस रैली के माध्यम से गया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छे परिणाम इस रैली के निकल कर आएंगे। और जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में लिया है नशे के खिलाफ, वह बिल्कुल
सकारात्मक परिणाम उसके हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक पूरे हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ जो है हमारी संघर्ष चलने वाला है, हमारी लड़ाई चलने वाली है, समाज को हम लोग जागरूक करने वाले हैं और नशे को हम निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश से जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाले हैं।